वेलकम ऑन सिनी स्पीक्स। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बैक टू बैक सुपर हिट हो रही है आपकी चीजें और उस खाते में एक और नाम जुड़ गया है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से मैं गायब थी, अब मैं वापस आ गई हूँ एंड बैक टू बैक वर्सेस कैसी है आर्या का म्यूजिक वीडियो एंड नाउ दिस वन, सो आई एम द वेरी ओवरवेल्म्ड और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इज अमेजिंग. बिल्कुल। और साथ में प्रतीक सहजपाल का नाम हो तो ऑफ कोर्स लोग वैसे ही दीवानों की तरह देखेंगे, क्योंकि बिग बॉस में उन्होंने कमाल किया है। क्या बोलना चाहेंगी, हाँ, कैसे हैं प्रतीक? वो तो बहुत ही अच्छे. आई थिंक व्हेन आई मेट हिम मैं सिर्फ बिग बॉस के बारे में बात कर रही थी एंड ही इज लाइक, आपने इतनी गौर से देखा है, आपने पूरा देखा है. मैंने बोला हाँ, मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया है. सो इट वाज नाइस, वेरी आई थिंक फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम आई शुक हैंड्स विद हिम एंड आई वाज लाइक वेरी वेल प्लेड. वाह। तो वहां पे जो आप शूट कर रहे थे, वहां पे लोगों ने परेशान नहीं किया? और किस किस जगह पे शूटिंग हुई थी? प्रतीक थे, आप थे, फैन फॉलोइंग होगी बहुत सारी। तो हम गए थे चंडीगढ़ शूट करने के लिए, पंचकुला, जहाँ हमने मैक्सिमम शूट किया था, छोटी छोटी गलियों में एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच वाज रियली वेरी नाइस. एंड मेरा तो पहली बार था चंडीगढ़ में, सो इट वाज लाइक जब आपको प्यार मिलता है एक और सिटी से ना, तो यू आर जस्ट लाइक ओ वाओ, पीपल रिकॉग्नाइज यू एंड दे लव यू. बट जितना प्यार प्रतीक को मिला, लाइक जिनके पास ओटीटी नहीं देखते हैं, डिजिटल चीजें नहीं देखते हैं, आई थिंक दे ओनली वॉच टीवी, सो द अमाउंट ऑफ लव दे गॉट, लाइक ही गॉट, वाज लाइक मेरे को तो, बिकॉज मेरे को टाइम हो गया टीवी करते हुए ना, देखा है कहाँ है, तो ऐसा, सॉरी, तो ऐसा चल रहा था, बट इट वाज वेरी नाइस. पूरा भीड़, एवरीवेयर वी वेंट उधर सिर्फ भीड़ इकट्ठा हो रहा था. क्या बात है। तो अभी फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे दीदी, आप फिल्में कब करना चाह रही हैं, कब देखना देखेंगे हम आपको बड़े पर्दे पे? सो मैं मूवीज में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, ना होना चाहती हूँ, कभी इंक्लाइंड नहीं थी. आज तक ऑफर्स आ रहे हैं, आई थिंक मेरे स्टार्टिंग में मैं करियर होनी, आई स्टिल रिमेम्बर एक मूवी था 17 और 16 करके, उस टाइम से सिलसिला चला आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू डू मूवीज. मैंने कभी, मेरे को नहीं करना था, पता बट कोई खास वजह है इसके पीछे? नहीं, कभी वो इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है. आई लव एक्टिंग एंड आई लव द टीवी वर्ल्ड एंड ऑल, एंड फॉर मी इट्स क्वाइट क्लीन. मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि लाइक एक मूवी हो जाता है फिर उसके बाद इट्स जस्ट नॉट माय थिंग, लाइक आई एम ओके डूइंग दिस. और सुयश के बारे में क्या बोलेंगी, कैसे सिंगर लगते हैं वो आपको और इंसान तो कैसे? बे सो आई नो हिम लाइक सिंस सो मेनी इयर्स स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, एंड इंसान तो वो बहुत ही अच्छे हैं, एंड उनकी बीवी के साथ भी मैंने काम किया है, सो शी इज रियली नाइस, और उनका छोटा सा बेबी इज सो क्यूट. एंड सुरेश का गाना तो हम सबने सुना है, लाइक ही कीस पुटिंग एंड अपलोडिंग एंड सो मेनी म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल. एंड हमारा तो बहुत लॉन्ग जर्नी था, वी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू अ म्यूजिक वीडियो टुगेदर, ऑलवेज कुछ ना कुछ होता था, एंड फिर कभी वर्कआउट ही नहीं हुआ हमारे, ये बहुत चलता था लाइक इयर्स हो गए, बट फाइनली हुआ. एंड व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग आई वाज जस्ट लाइक वाओ, बिकॉज़ उसने ये जॉनर कभी किया नहीं है, वेरी सूफी, वेरी लाइक दिस जॉनर इज नॉट डन, सो इट वाज वेरी नाइस टू हियर सच अ वॉइस डूइंग सच अ सॉन्ग, एंड बहुत ही अच्छा एक्चुअली आया है निकल के, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम. क्या बात है. नीति, बस मैंने आपसे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फैंस जानना चाहते हैं बहुत ज्यादा कि नीति सिंगिंग करते हुए भी नजर आएंगी कभी कभी, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगी डिजिटल और इन सब के अलावा, हम नीति को और कहाँ कहाँ मिल सकते नहीं, ये है जो है और कुछ नहीं है. यही हैं? है मेरे प्यारे में, इतना एक्स्ट्रा नहीं है. आई होप आई वाज सो टैलेंटेड एंड ऑल, बट जैसे कैसी आर्या का म्यूजिक वीडियो निकला था, आई ऑलवेज वांटेड टू डांस इन अ म्यूजिक वीडियो. जब मेरा कैपेचिनो निकला था, द थिंग इज वो सर्कमस्टेंस ऐसा था कि हम डांस, देयर वाज नो टाइम, सो आई कुडंट डांस इन दैट, बट जब कैसी आर्या का आया 1 2 3, आई वाज सो एक्साइटेड टू डांस, आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड आई होप जो नेक्स्ट हो उसमें और, तो यू कैन सी माय डांसिंग टैलेंट, जो इतना नहीं है बट इट्स नॉट बैड. तो प्रतीक के फैंस के लिए हम अभी बात कर रहे हैं तो बोल देते हैं भाई, जब भी मौका मिलेगा आपको, जब भी 2 4 5 मिनट जब प्रतीक सहजपाल आपके बगल में होंगे, और आप प्लीज एक छोटी सी जूम कॉल पे आ जाइएगा ताकि हमारे जो फैंस हैं आप दोनों को देख सके साथ में. ओके, आई होप सो. ओके, मैं उसको पूछ लेती हाँ, आप हूँ. पूछ लेना.
ड्रेसिंग के लिए पूछ रही थी प्रतीक का, कि प्रतीक की जो गेटअप है ना वो बहुत जबरदस्त पठान टाइप के लग रहे हो, और नॉर्मली हमने उनको बिग बॉस में देखा है या हम सबने क्या क्या आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी व्हाट यू आर सेइंग, आई बिग बॉस में सिर्फ शर्टलेस देखा है ना. हाँ. I think it's quite different. और also उनका अभी जो नया गाना आया है उसके कंपैरिजन अगर आप देखो ना, एकदम मॉडर्न बॉय और एक हो गया एकदम यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉय. सो आई थिंक वर्क फॉर हिम, एंड लोगों को पता होगा कि शिट ही कैन डू यू नो दिस रोल ऑल्सो एंड ही कैन डू दैट रोल ऑल्सो. सो उसके लिए तो बहुत स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर होनी, ही इज गॉट ये यू नो ही कैन प्ले अराउंड एंड ही इज गॉट अपॉर्चुनिटीज, सो अच्छी बात है. तो नीति अब आप ये बताओ, आपके बैक टू बैक काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी, पार्ट के साथ भी आपका इतना ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमने देखी हैं, वो रेड कलर और इतना कितना अच्छे लग रहे हैं वो पिक्चर्स, क्या है वो भी बताइए, पूरा डिटेल बताइए सबको. या तो बेसिकली वो भी एक म्यूजिक वीडियो है जो हमने शूट किया है, एंड वो वूट के हैंडल पे है. एंड इफ यू गाइस डोंट नो, मतलब वूट इज क्रिएटेड अ मूवी आउट ऑफ ऑल थ्री सीजंस ऑफ कैसी है यारिया, और उसके एंड में हमारा है टू ऑल द फैंस एंड ऑल द वेल विशर्स. सो इट्स 1 2 3 4 5 सो मतलब उसका भी, उसका तो बहुत, मतलब वो ही बोल रही हूँ ना, मेरा भी बहुत डिफरेंट हो गया, एकदम इंडियन एंड एकदम आई एम मॉडर्न वाला थिंग. सो यस, बैक टू बैक टू म्यूजिक वीडियोस, बस सिर्फ वूट का आई होप दे पुट इट ऑन यूट्यूब सून ताकि सब लोग देख सकते जिनके पास वूट नहीं हो. एंड बस आई एम वेरी हैप्पी. एंड हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ काम है मेरा जो लाइंड अप है, और शूट स्टार्ट्स इन अप्रैल. आई थिंक आप लोग बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होंगे उसके लिए. So let's hope for the best. क्या बात है. एंड ये भी बोला, आई एम बैक. हाँ, मतलब बैक टू बैक नीति टेलर एकदम छाने वाली है, राइट? इंशाल्लाह. आई होप सो. नीति फिल्मों में फिल्म को आने का क्या इरादा है? हाँ जी हाँ जी. फिल्मों में आने का क्या इरादा है आपका? मेरा पहले से ही कोई इरादा नहीं था फिल्म्स करने का. मैं हमेशा, मेरे को, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस इंडस्ट्री, बी इट सीरियल्स, बी इट म्यूजिक वीडियोस, बी इट डिजिटल. मेरे को बस, मेरे को कभी मूवीज में नहीं जाना था, एंड जितना दूर रहूं उतना ही बेटर है. ऑफर्स मुझे हमेशा इतने आए हैं टिल डेट, एंड आई एम लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज, और मुझे लोग ऐसे कहते हैं व्हाट व्हाट, आप पहले इंसान हो. आई एम लाइक, यार, आई एम लाइक, आई एम वेरी हैप्पी ये इंडस्ट्री में, आई एम गुड. बट कोई पर्टिकुलर रीजन की फिल्म करनी नहीं है, क्या रीजन है? नहीं, मैं वो नहीं करनी है. मैं इतना वो, लाइक आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल, कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल दिस थिंग. मेरे को जहाँ ज्यादा वो सब होता है मैं दूरी रहती हूँ, और मुझे पता है कि पहले शायद मैंने देखा है किसी और के साथ होते हुए. सो आई एम जस्ट लाइक, आई नेवर वांट टू इवन टच दैट इंडस्ट्री, एंड आई एम ओके बीइंग व्हाटएवर इट इज हियर. सो इसलिए और अभी तो बहुत ही गंदा हो गया, सॉरी टू से, इट्स जस्ट माय कप ऑफ टी. नाउ कंपटीशन ये वो, आई लव एक्टिंग एंड इट्स माय पैशन, बट दैट्स अबाउट इट. ये मैं कुछ और नहीं है मेरे लिए. तो नीति, आपसे बात हो रही है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो लोग ये जानना चाहेंगे, वे पूछेंगे मुझसे कि प्रतीक कहाँ पर है. तो कभी ऐसा कोई टाइम निकालिए आप और प्रतीक एक साथ आइए जूम पर, क्योंकि डेफिनेटली वो क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे पास. और प्रतीक जो है वो बहुत बिजी है, उनको हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, बहुत बिजी चल रहे हैं वो. तो कुछ चांसेस हैं, सब पता है कि वो बॉम्बे आ रहा है आज और मैं कल वापस कहीं जा रही हूँ. सो अगेन हम आई थिंक आज शाम को मिलेंगे, या अगर कल तो मैं नहीं मिल सकती, मैं जा रही हूँ, बट अगर कुछ होगा फॉर श्योर आई विल लेट यू गाइस नो, एंड हम फिर कुछ कर सकते हैं. जब 10 मिनट के भी मिलेंगे तो 5 मिनट दे दीजिएगा साथ में जूम पर. ठीक है, ओके डन. मैं उसको बोल दूंगी, आई लाइक, वो मुझसे बिजी है. आई विल बी लाइक, प्रतीक जी, आई हैव टू स्पीक टू हिज सिस्टर नाउ हु इज मैनेजिंग हिम. आई लाइक, कैन ही गिव 5 or 10 मिनट्स टू यू प्लीज. या पर अब सुरेश के बेटे से मिली आप अभी, जो उनको इतना प्यारा सा. हां, अब ऐसे
ऑनलाइन मैंने देखा, वैसे तो उसकी फोटोज वगैरह सो क्यूट, निर्वेर हिज नेम इज, वेरी ब्यूटीफुल नेम, एंड कल देखा मैंने ऑनलाइन हमारे लाइव पे, आई वाज लाइक ओह सो क्यूट, आई लव बेबीज, दे आर सो क्यूट. क्या बात. तो नीति, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, आप बहुत बिजी हैं. मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, आप गाना वाना गाती हैं, तो एक आध गाना सुना दो यार नीति. ये किसने बोला मैं गाना? जब आपका लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तो मैंने आपको पूछा था, तो आपने बोला कि मैं अगले इंटरव्यू में ट्राई करती हूँ. ओह माय गॉड, हम आपके रील्स तो देखते रहते हैं डांस वांस वाले, बट थोड़ा सा कुछ हो जाए अपने फैंस के लिए, अपनी एल्बम पर. अच्छा ओके. नहीं, वो मेरे को लिरिक्स ही नहीं, मैं बहुत गंदी हूँ लिरिक्स के साथ भी, आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा. अच्छा मेरा जो नया गाना है उसको बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, बट कोई और गाना गा सकती हूँ. चुरा लिया है तुमने जो दिल को वो, नजर कहीं चुराना सनम, बदल. बस हो गया. वेरी नाइस, वेरी क्यूट अटेम्प्ट. गुड. सुनीति, कभी बिग बॉस में जाने का इरादा नहीं है? बिग बॉस में लेट्स सी, शायद चली जाऊं, शायद नहीं, आई डोंट नो. सस्पेंस. बिग बॉस 16 में हम देखने तो नहीं वाले हैं. 16 या 17, आई डोंट नो, मे बी. तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नीति, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपकी जॉइन में आ जाएं और हम आपको बैक टू बैक ऐसे इंटरव्यू लेते रहें, सामने बैठ के ले, बहुत हो गया जूम इंटरव्यू, पक गए हम लोग ऐसे, तो जल्दी से मुलाकात हो. यस यस, बॉम्बे में ही हूँ, सो एनी टाइम एनीवेयर आई एम रेडी. हाँ, जुहू में ही रहते हैं, कभी भी बोलिए, कभी कॉफी पे चलते हैं, हम ही कॉफी डेट पे चल पड़ेंगे साथ में. ठीक है, डन डन, जल्दी मिलते हैं नीति, टेक केयर. और प्रतीक वाला एकदम पक्का रहा, जब आप लोग साथ होंगे प्लीज एक मैसेज कर देना, मैं जूम पे आ जाऊंगी, मैं मेरे पे बिल पूछूंगी इफ ही इज फ्री. ठीक है, डन डन डन, ओके, टेक केयर, बाय बाय.